नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जीमेल के एप्लीकेशन से लॉग आउट कैसे करें। जी हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे मोबाइल में जो भी जीमेल का जो एप्लीकेशन होता है उसमें से हमारे को जो जीमेल आईडी को लॉग आउट करना है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं इसमें आपको सारी जानकारी दिखाने वाला हूं जिसके द्वारा आप जो आसानी से जीमेल एप्लीकेशन से साइन आउट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे नए टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूं और घंटी के बटन भी दबा दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो के नीचे दोस्तों लाइक का बटन है, उसको भी जरूर दबा दें। तो चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीमेल आईडी को जीमेल के एप्लीकेशन से लॉग आउट करने के लिए हमारे को सबसे पहले अपने मोबाइल में जीमेल के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैं ओपन कर लेता हूँ जीमेल के एप्लीकेशन को, और इधर में दोस्तों हमारे को लॉग आउट करने के लिए हमारे को सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे हम दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो इधर हमारे जो अपना ईमेल आईडी होता है वो आपको दिखाई देगा, और नीचे ऑप्शन आ रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो हमारे को दोस्तों इस पर क्लिक नहीं करना है, हमारे को इस पर क्लिक करना है मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस। इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है अकाउंट्स का एप्लीकेशन है, अकाउंट्स का जो ऑप्शन होता है मोबाइल में वो ऑप्शन ओपन हो जाता है हमारे सामने। तो इधर से दोस्तों हमारे को जो है गूगल पर क्लिक कर देना है। गूगल पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो इधर हमारा जो जीमेल आईडी होता है वो हमारे को दिखाई देता है इधर, और नीचे हमारे को बहुत सारे ऑप्शन दिखाई भी देते हैं इधर। तो इधर से हमारे को दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है थ्री डॉट पर। थ्री डॉट पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इधर हमारे को एक रिमूव अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हमारे को जो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो इधर हमारे को रिमूविंग दिस अकाउंट विल डिलीट ऑल ऑफ इट्स मैसेज कॉन्टैक्ट्स एंड अदर डेटा फ्रॉम द फोन, मतलब कि इस ईमेल आईडी से जुड़ा जो भी डेटा है, कॉन्टैक्ट्स है, मैसेज है, कुछ भी है, वो सारा का सारा इस मोबाइल से डिलीट हो जाएगा। तो इसका मेन मतलब दोस्तों यही है कि हमारे को जो है जीमेल अकाउंट को पूरे फ़ोन से डिलीट करना होगा, तभी हम जो है जीमेल के एप्लीकेशन से जो है लॉग आउट कर पाएंगे, नहीं तो हम जो है नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमारे को जो है रिमूव अकाउंट पर क्लिक कर देना है, तो ये जो अकाउंट है जो पूरा हमारे फ़ोन से हट जाएगा, और जब हम चाहेंगे तो इसको जो वापस लॉग इन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दोस्तों ये जो गूगल का अकाउंट था वो हट चुका है, और अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैं जीमेल के एप्लीकेशन में आया हूँ। तो इधर दोस्तों आप देख लीजिए वेलकम टू जीमेल ऐसा ऑप्शन आया है, और वापस से हमारे को जो इधर लॉग इन करना पड़ेगा। ये डन पर क्लिक किया तो ये देख लीजिए लॉग ऑप्शन आ चुका है हमारे सामने, एड एन ईमेल एड्रेस, मतलब कि कोई ना कोई ईमेल आईडी डालना है इधर, तभी लॉग इन हो पाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप जो आसानी से जीमेल एप्लीकेशन से जीमेल आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी नई नॉलेज और कुछ जानकारी मिली होगी। तो वीडियो के नीचे दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, जैसे कि मेरे बारे में, वीडियो के बारे में आप कुछ भी लिख दें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर दोस्तों आपको जो मुझे फॉलो जरूर कर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे वापस अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।